जिंदाबाद 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 बाकी थामूंगे गेट बंद करके। जो लोग बाहर मुंबई में वो तो आते रहते हैं। सर सर आप आ जाओ, उनको बोले रुको। न्याते ही दीपक खड़े होते हैं। जो लोग महाराष्ट्र के वो तो आते रहते हैं यहाँ दर्शन करने। बंदे हार कहाँ है अनुते? हार गया हार गया पटोला हार आ रहा है ना हार गया गाड़ी से ले लेना चाहिए था ना अनुते जी हार गया गाड़ी में किसी को बोलो किसी को भेजो यार कोई तो जाए हार लेके हार गया हार हमारे आगरा में भी जी आगरा में जो सेकंड बुद्ध का जो हमारे जवान है उसके वो भी नागपुर में भी चैत्र में भी है और ये कनेक्शन है इसलिए ये हाकने का मुंबई में जो बेट बीच है ना मुंबई में जो लाई है ये आर मतलब मुंबई में आने वाले क्या बोल रहे हैं लाई आपके पास बीच है मुंबई में लाई है हाँ रुको इधर हाँ एक मुंबई लाए तो इस भाई ये जब छेड़ी ये जब इधर से कहीं से भी जा रहे थे उस टाइम के जो फोटो थे मुंबई के दादा के रानी नीचा के फोटो ये सब यहाँ से चैत्र में जा रहे थे एक ट्रक में वो बाबा साहब रखे थे उसमें से एक 5-6 लाख प्रोग्राम में भीड़ थी उधर ये मेन रोड है आप ले रोड से आप जा रहे हैं ना हेलो वो रोड का पब्लिक वो टाइम पर ओपन था इसी बाबा साहब का माइंड चलते सब पर स्क्रीन अभी के ही है कोई चेंज किया नहीं उसी दवाई पे अलग अलग फोटो अलग अलग टाइम यूज किया और ये विषय शांत है आप गुलाम नहीं है गुलाम की जंजीर तोड़ो ये बाबा साहब ने संदेश दिया तो कभी का विशेष नानी बन दी गई अच्छा तो अभी उस आपको पे ये करके है लेकिन न्यूज पेपर में आ रहा है ना साबुन उसकी और ये स्वास्थ्य 1934 बहुत पुराना तब होता था 1956 में बाबा साहब ने हां धर्म किया था बुद्धिज्म किया था और एक सिंबलिस बुद्धिस्ट का सिंबल जिसका सिंबल है ये बुद्धिस्ट का सिंबल है बाबा साहब ने क्लियर किया 35 में 2 साल की बात की है अरे बुद्धिस्ट का सिंबल बुद्धिस्ट का सिंबल एक्चुअली बुद्धिस्ट का चौराहे चक्कर से चिन्ह थे बाबा भगवान बुद्ध के ऊपर हां उसी से यही चिन्ह जो है स्वास्तिक का वो डाइवर्ट कर लिया विक्लंग गुरु ने कहा उसके बुद्ध का वो आ जाता उसका ये ऐसा है और बुद्ध का ही है ऐसा उसका अलग होता है ये दीक्षा ये सर ये जब इसमें गए थे कॉलेज में सर ये फोटो के चक्कर में पीछे गिर मत जाना तो तुम लोग गिर तो छोड़ दो यार वो मनीष रह लेगा फोटो को लोकल रहते हो अपना आओ कभी भी दर्शन कर लो सर ये जब दिल्ली में जब गुजर गए थे अभी पंडित नेहरू सब आ गए थे
और ऐसे इधर के सोरे की उधर इतनी बुक्स थे उनको भी पता नहीं कि बाबा जी इतने पढ़ सकते थे, इतने पूरे घर में बुक्स थी दोबारा उनके जैसा तो नहीं हो सकता ना कोई। ये आखिरी औरंगाबाद में लेनी है जब देख रहे इस टाइम पर इतने और ये जो गांधी और अम्बेडकर ये जो ये है उनका एक खत था जब ये चल रहा था अपना पुणे पुणे वो टाइम डिस्कशन चल रहा था तो वो टाइम पे 1931 का है 19 दिसंबर का तो उन्होंने जो लिखा था जो डिस्कशन चल रहा था वो खत के माध्यम से जनता को बताया क्या हो रहा है और इधर क्या डिस्कशन चल रहा है। हास्यास्पद जो डिक्लेरेशन था उसमें उन्होंने डाल दिया था कि क्या बता रहे अगर हम दोनों खड़े रहेंगे उच्च वर्ण ब्राह्मण उसमें से अगर दलित गिर गया वो कोर्ट में अपील करेंगे और बताएंगे कि आप मैं क्यों गिर गया मैं दलित हूँ इसलिए गिर गया वो प्रूफ कर दो फिर वो गिर जाएगा वो तो पॉसिबल नहीं ना प्रूफ करना ये सब। बाबा साहब बोले सब ये ऐसा कुछ हो नहीं सकता आप एक तो अलग कर दो तो फिर ये अलग कर बाबा साहब का जो दिन था खुले आप खुले बुद्ध सोए हुए नहीं क्रांति वाले बोलने वाले भगवान बुद्ध चाहिए वो हिसाब से जो खुले अपने बुद्ध का शायद जो अपने ओरिजिनल धातु है उसमें वाइटिंग वाइट होती है और कोई लोग कुछ धातु और इंडिया में कोई किधर धातु नहीं मारो लेकिन बाबा साहब टर्म बना देंगे प्योर मार्बल वन पीस यही तो क्रांति थी बाबा साहब यही वो जमाने वो जो थिंक थी ना हमारे लोग कोट पहने हमारे लोग सूट वूट पहन के रहे हम ऐसा क्यों रहे। अरे ये एजुकेशन यही देती है और इस घर का निर्माण के बाद बाबा साहब ने किया आखिरी के तौर पे अच्छा खुद डिजाइन करके बनाए थे सर। और ये अभी आप सोच सकते बड़े बड़े सुपर बड़े बड़े फाइव स्टार होटल में उधर कोच सिस्टम था गाड़ी पार्क करना फिर अंदर जाके एंट्री करना रिसेप्शन गेट ये बाहर का कोच गाड़ी आने के लिए ये गेट से गाड़ी इधर उठेगा इधर से बाहर जाएगा और ये मेन एंट्रेंस ये कोच ही मतलब ये रिसेप्शन गेट इधर से कनेक्टेड लाइब्रेरी के लिए था पहले और ये रेसिडेंशियल के लिए ये तीन पे उन्होंने बगैर अभी भी वही वायरिंग पे चल रहा है 1934 से लेकर अभी तक वायरिंग चल रही है 100 ईयर्स हो रहा है लेकिन मेरे घर में 10 साल बाद वायरिंग चेंज करनी पड़ती है से सभी क्या होता है मतलब सोचने वाली बात है। तो ऐसे थोड़ा ही बाबा साहब बने वही ना और इसका हर एक दीवार का निर्माण जो है बिग साइज का बहुत बड़ा बड़ा है आप इसको देख जो लकड़ा जो है ये सब बर्मा का इंडियन नहीं है इसकी लाइफ कम से कम 500 साल कम से कम बर्मा टी बोलते इसे बर्मा देश से लाया देख रहे कौन फिर अम्बेडकर फैमिली अच्छा वही देख रहे इसलिए तो सब नहीं देख रहे अलग अलग स्टिक उनका यूज करते थे चलने में थोड़ा तकलीफ होता बाबा साहब को
उनका एकदम स्टाइलिश था, उनका अलग अलग यूज करते चश्मा, ये तो कम ही होता था और किधर अलग अलग रहेगा वो, इनको घर भी नहीं थे इधर चश्मा चश्मा यूज करते हैं। दिल्ली में जो बनाया गया ना जी मेमोरियल हॉल, इसमें रखा है ऐसे। अरे देखो देखो कौन आया, तेरा बाबा सब्जी।